ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमें क्या क्या इससे अलग है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ बाजू में ही ये सम हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि उस सम को बाजू में ही कर दे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सम क्या गिवन है, देखिए रॉकर आर्म वाला गिवन है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना खाली वो 140 डिग्री वाला है, और इसमें भी पिन डायमेंशन ही निकालना है, ठीक है। तो इस सम को चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं ना। चलो इस बार जो हमारा सम है वो है रॉकर आर्म वाला, इसका मतलब ये बेल क्रैंक लीवर नहीं है, दिस इज रॉकर आर्म लीवर। ओके, सो रॉकर आर्म लीवर के लिए हम जो बनाएंगे, देखिए ये 3 किलो न्यूटन का लोड को लिफ्ट करने वाला है, तो W इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 किलो न्यूटन जो शॉर्ट आर्म पे लग रहा है, और लॉन्ग आर्म है 150 mm का, सॉरी शॉर्ट आर्म 150 mm का है, लॉन्ग आर्म 200 mm का है। तो यहाँ पे हम एक रॉकर आर्म बना लेते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा आपको क्या करना है, बस एंगल में बनाना है ना। वो जो हम लीवर बना रहे थे बेल क्रैंक लीवर वो 90 डिग्री वाला बना रहे थे, इसमें आपको क्या करना है, इसमें 90 डिग्री नहीं बनाना, बस इतना फर्क है खाली, समझ रहे हो। और जो भी बीच में आपको बनाना है वो बना लीजिए, यहाँ पे होल बना लीजिए सब, ओके। और यहाँ पे लगने वाला है लोड जो शॉर्ट आर्म पे लगाना है अपने को 3 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे इस वाले पे, ओके, यहाँ पे सेंटर एक्सिस बना देते हैं, और यहाँ पे जो लगेगा पी लगेगा, ओके। पी पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करता हूँ, और लेंथ दी हुई है शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म की, तो शॉर्ट आर्म की जो लेंथ है वो गिवन है 150 mm, दिस इज 150 mm का शॉर्ट आर्म है, और लॉन्ग आर्म है 200 mm का लॉन्ग आर्म है, ठीक है ये वाला, तो दिस इज रॉकर आर्म, रॉकर आर्म। और एंगल जो है यहाँ पे एंगल आप देखोगे तो एंगल हमें बताना है यहाँ पे 140 डिग्री, ओके। तो L1 जो है L1 लेंथ हम ले रहे हैं, L2 लेंथ ले रहे हैं, L1 यानी लॉन्ग आर्म हमने लिया था तो उसको 200 mm बोलेंगे, और शॉर्ट आर्म को हमने 150 mm जो छोटा है उसको L2 बोला था। एंगल गिवन है तो यहाँ पे एंगल लिखेंगे, 140 डिग्री का एंगल है। शियर स्ट्रेस जो अलाउेबल है वो है 40 MPa, और टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो 70 MPa गिवन है। बेयरिंग प्रेशर गिवन है PB जो 8 MPa है। पिन के डायमेंशंस निकालने हैं, और L/D रेशियो गिवन है 1.25, ठीक है। तो सेम सम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट में हमें क्या करना है, पी इंटू L1 इज इक्वल टू W इंटू L2 है ना। देखिए पी इंटू L ये वाला इसका परपेंडिकुलर लेंथ है, ओके, पी इंटू L1, और W इंटू उसका परपेंडिकुलर लेंथ है 150। ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और W वाली क्लॉकवाइज मोमेंट है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है ना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, ये भी लिख सकते हो आप, पर हेडिंग हेडिंग लगाना है, अभी हेडिंग मैं नहीं लगा रहा हूँ, हेडिंग आप लगा लेना कि टेकिंग मोमेंट अबाउट अ फलक्रम, ये पॉइंट को फलक्रम बोलते हैं, बराबर, टेकिंग मोमेंट अबाउट फलक्रम, फलक्रम से ले रहे, तो पी पी इज इक्वल टू, अच्छा पी तो अपने को फाइंड करना है ना, L1 दिया हुआ है 200, लोड जो है 3 किलो न्यूटन है, और L2 गिवन है 150, तो यहाँ से अपने को पी पता चल जाएगा, ओके। तो 3 × 150 450 / 200, सो 2.25 किलो न्यूटन, तो यहाँ से पी अपने को पता चल रहा है 2250 न्यूटन, और लोड है हमारा 3000 न्यूटन। बट हमने ये पता किया था कि W और P नहीं लेना, हमें निकालना होता है रिएक्शन R, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस W स्क्वायर प्लस 2PW cos थीटा, ठीक है। चलो अंडर रूट में सारी वैल्यूज डाल देंगे, पी जो है हमारे पास 2250 का स्क्वायर, W हमारे पास है 3000 का स्क्वायर, तो 2 × 2250 × 3000 × cos 140, ठीक है, बड़ा सा लंबा चौड़ा है, तो चलो 2250 का स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखना 2 × 2250 × 3000 ×
कॉस 140, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप अंडर रूट कर देना, तो 1928.963 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो 1928 यहाँ पे आया है हमारा। बट अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि जो रिएक्शन है वो P से और W से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, तो ये आ नहीं रहा, और इसका मतलब क्या है, हमने गलती करी है। ठीक है, और वो गलती क्या करी है वो ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे जो थीटा लेने में हमने गलती करी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपके दिमाग में फिट होती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कुछ गलती करी है। जैसे कि मुझे एक कॉमन सेंस की चीज़ पता थी कि जब भी दो फोर्स होते हैं, कोई भी दो फोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू, तो जब उसका आप रिजल्टेंट निकालते हो तो वो उससे ज़्यादा ही आएगा, है ना। ये चीज़ कॉमन सेंस वाली बात थी जो यहाँ पे काम लग गई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या गलती करी, आप देखिए ये थीटा जो है 140 नहीं, क्योंकि ये जब ये देखिए पी, जो पी लग रहा है कुछ इस तरह पे लग रहा है पी, डब्ल्यू देखिए पी पी का ये देखिए ना, ये वाला मैं इसको पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, और डब्ल्यू लग रहा है अपना वर्टिकल में ऐसे। ओके, तो ये जो 140 डिग्री आपको दिख रही है वो 140 डिग्री कहाँ पे है, ये 140 डिग्री ये वाला अगर मैं इसको ऐसा पैरेललोग्राम बनाता हूँ तो हमें एक्चुअली ये एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल चाहिए, ये थीटा चाहिए, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 140 डिग्री गिवन है। अभी बोले सर आपको कैसे पता चला, अरे भाई इसको आप देखिए, ये वाले पी को आप इस तरह से करिए, देखो समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ये पी को थोड़ा पीछे खींचता हूँ मैं इस तरफ, ये देखिए ये और ये डब्ल्यू, ये वाला एंगल गिवन है ना, ये वाला एंगल कितना है, 140 डिग्री गिवन है। ये देखो ना आप, ये वाला कौन सा है, ये अगर ऐसे लाइन को एक्सटेंड करो परपेंडिकुलर टू पी, ओके, और ये देखिए ये परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, जो लाइन जा रही दोनों वो 140 जा रही है। परपेंडिकुलर टू पी कौन सी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है। परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू कौन सी लाइन जा रही है, देखिए परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू यानी ये वाली लाइन जा रही है, यानी ये वाला एंगल गिवन है थीटा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको नहीं करना चाहूँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कॉमन पीछे खींच के बता रहा हूँ। यहाँ पे 140 डिग्री, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली 180 माइनस 40 होगा, तो क्या आएगा आंसर, 180 माइनस 140 कर लेना तो 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या लिखना है, देखिए कहाँ कहाँ क्या गलती है, कुछ गलती यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 40 डिग्री आएगा, तो ये एंगल, ये सॉरी रिएक्शन है हमारा गलत आ गया। पूरा रिएक्शन अपने को वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2250 का स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर, मैं तभी सोचूंगी ये ज़्यादा क्यों कम क्यों आ गया, ज़्यादा आना चाहिए बट कम आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ही होगी। ठीक है, चलो अभी इसको देखिए, 4940.05 न्यूटन का रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन आपका आ चुका है, अब नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या करने को बोला था, बैरिंग प्रेशर का फॉर्मूला लगाने का बोला था कि नहीं, आप बैरिंग प्रेशर कंसिडर कर लेना, और बैरिंग प्रेशर का जो रिएक्शन वाला फॉर्मूला था मैंने बोला था, डायमीटर ऑफ पिन, लेंथ ऑफ द पिन, ये एरिया हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और इनटू स्ट्रेस नहीं आएगा, प्रेशर आएगा। ठीक है, सो 4940.05 इज इक्वल टू डी लेना है, और ये क्या लेना है, 1.25 डी। देखो इस बार क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, ये रोको दिया हुआ है ना, एल बाई डी रेशियो दिया हुआ है, नहीं दे तो भी अपने को टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको बताया है। अच्छा, पी बी कितना गिवन है, पी बी गिवन है, कहाँ गया पी बी, ये रहा 8 मेगा पास्कल, ओके 8 मेगा पास्कल का पी बी है, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, चलो कितना, ये आंसर तो पहले से टाइप है, डिवाइड बाय 1.25 कर दो, डिवाइड बाय 8 कर दो, अंडर रूट आंसर कर दो, तो 22.22 आ रहा है, इसको इवन नंबर में ले गए यानी 24 mm
डायमीटर लेके, और लेंथ आप 1.25 करके 24 करवा देना, ओके 1.24 इंटू 25, सॉरी 1.25 इंटू 24 30। अब इसको चेक करना पड़ेगा भाई, तो चेकिंग वाला स्टेप लिख देना आप, चेकिंग इन सीयर। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो आप देख लेना अच्छे से। तो चेकिंग करने के लिए मैंने क्या बोला था, डबल सीयर हो रहा था इसे 2 टाइम्स पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और यहाँ पे चेक कर रहे इसलिए स्ट्रेस को इंड्यूस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और रिएक्शन लिखे के 4940.05 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और सॉरी डी स्क्वायर कहाँ, डी तो मिल गया ना, तो 24 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा टाउ इंड्यूस। तो यहाँ से चेक कर लो भाई कि टाउ इंड्यूस क्या है, ओके सो 4940.05 इंटू 4 करना, डिवाइड बाय 2 पाई करना, डिवाइड बाय 24 का स्क्वायर कर लो, ओके सो हाँ 5.45 हो चुका है, मुझे लगा कुछ रह गया कैलकुलेशन में, 459 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या तो मेगा पास्कल लिख सकते हो, विच इज लेस देन टाउ अलाउेबल, एंड हैंस अवर यहाँ लिख देना, हैंस अवर डिजाइन इज सेफ। ये चीज़ आपको लिखनी है, मैं टाइम बचाना चाहूँगा, ठीक है। चलो ये सम भी हमारा हो चुका है, अब हम चले गए सम नंबर 11 पे, ओके। तो सम नंबर 11 देखिए मैंने बाजू में ही लिख दिया है आपके लिए। अब ये सम क्या है, कॉपी ये वाला सम है, आप देखो एकदम कॉपी सम है। 10 नंबर का जो सम मैंने है विंटर 19 3 मार्क्स का, ये एकदम कॉपी सम यही है। देखिए सब कुछ वही है, 140 डिग्री का एंगल है, देखिए 140 डिग्री का एंगल, रॉकर आर्म है, ये भी रॉकर आर्म है, मैक्सिमम लोड 3 किलो न्यूटन है। आप देखो चलो छोटा कर देते थोड़ा, देखो अब आपको शायद दिख रहा होगा 3 किलो न्यूटन है, देखिए 3 किलो न्यूटन लोड लगाया हुआ है वाल्व एंड पे। अच्छा ये चीज़ देखो नहीं है आपके लिए, शायद अगर इस तरह से देना तो भी आपको ध्यान रखना है, वाल्व एंड या तो टैपेट एंड देते हैं डब्ल्यू वाल्व एंड या तो टैपेट एंड पे देते हैं, तो आपको वो शॉर्ट आर्म पे ले लेना, ठीक है ये याद रखना, ये शॉर्ट आर्म पे लेना लोड अगर वाल्व एंड पे या तो टैपेट एंड पे बोला है ना, वाल्व एंड बोला है देखो, और दूसरा नाम उसका टैपेट एंड है, वाल्व एंड या टैपेट एंड बोले यानी वो शॉर्ट आर्म पे लगा देना। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे एक और वर्ड आपको ध्यान रखना है, कैम एंड दिख रहा है ये वाला कैम एंड, तो वो आप लॉन्ग आर्म में ले लेना लॉन्ग आर्म, और उस पर मेन चीज़ क्या है, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म नहीं है, मेन चीज़ क्या है टैपेट और वाल्व एंड पे लोड लगता है, वो मेन है कि लोड आपको किसके लगाना है, वाल्व एंड पे लगाना है या तो टैपेट एंड पे लगाना है, और एफर्ट आपको लगाना है कैम एंड पे, ठीक है इतनी चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी तो चलो ये वाला पार्ट तो हो गया, देखिए फिगर तो यही मैं अडॉप्ट कर लूँगा बराबर, इसकी फिगर है वापस, अभी टाइम बचाते हैं ना भाई, इसकी जो फिगर है वो ये वाली अडॉप्ट कर लेना, ओके बट क्वेश्चन के अंदर इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, बोले सर आप इतना इस दोनों क्वेश्चंस को ले क्यों रहे हो, क्योंकि वाल्व एंड टैपेट एंड ये थोड़ा डिफरेंस है, लैंग्वेज में डिफरेंस है बराबर, यहाँ पे शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म की भाषा लिखी है, यहाँ वाल्व एंड टैपेट एंड और कैम एंड की भाषा लिखी हुई है। दूसरी एक चीज़ आप देखोगे ना, तो पिछले दो सम्स में हमने किया था, देखिए पिछले दो सम्स में एक चीज़ मैं आपको नोट करना यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि देखिए ये वाले सम में आप पढ़िए टेंसाइल स्ट्रेस आपको दिख रही है, टेंसाइल स्ट्रेस कितनी दी थी 80 मेगा पास्कल, और आप ध्यान दीजिए कि सम नंबर 9 जब मैंने कराया कहीं पे भी उस स्ट्रेस का यूज़ नहीं हुआ, क्यों यूज़ नहीं हुआ पता है, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ फाइंड करनी बाकी होती है, जो हम क्रॉस सेक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस सेक्शन भी फाइंड करना होता है, बट इन लोग ने पूछा नहीं है ना, नहीं तो सम बहुत बड़ा हो जाता है, 3 मार्क के लिए इतना ही काम करने के लिए आपको बोला है, तो इसका कोई यूज़ आया नहीं है, इस वाले सम में कोई यूज़ नहीं आया। अब 10 सम भी कॉपी पूछा है, बस खाली बेल क्रैंक लीवर के जगह पे यहाँ पे रॉकर आर्म लीवर पूछ लिया, पर यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा चीज़ यही दी हुई है, देखो टेंसाइल स्ट्रेस दी हुई है 70 मेगा पास्कल, इसका भी कोई यूज़ यहाँ पे आया नहीं है अभी, क्योंकि पिन डायमेंशंस फाइंड करने में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरत कब पड़ती है देखिए आप, डायमेंशंस ऑफ लीवर फाइंड करने में, तो ये वाले सम्स के अंदर आपको पूछा है लीवर के डायमेंशंस फाइंड करने, इधर पिन के डायमेंशंस नहीं फाइंड करने आपको, ठीक है। तो जो गिवन डेटा रहेगा आपका, गिवन डेटा, तो यहाँ पे मैं गिवन डेटा में आपको लिख देता हूँ सेम किसका, सेम ये वाले का, सारे गिवन डेटा यहाँ पे सेम करने हैं, ठीक है सब कुछ सेम यहाँ पे लिख देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ जो हमें फाइंड करनी है, देखिए डायग्राम, ये डायग्राम यहाँ से अडॉप्ट करना चाहूँगा मैं, ये वाला
तो अब मान लेना कि ये इस वाले सम का हिस्सा है, ऐसा मान लीजिए बराबर। ये सब अभी भूल जाइए, एक हो गया, अभी हम 11 वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये डायग्राम मैंने ले लिया है, और इसका इसका यहाँ पे एक फिगर में दूसरा छोटा सा क्रॉस सेक्शन बनाना चाहूँगा, रेक्टेंगुलर वाला, रेक्टेंगुलर वाला क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ, जिसमें यहाँ एच बोलेंगे, बी बोलेंगे। बोले ये क्या बता रही है, जो एक्स एक्स आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसका अगर आप यहाँ पे ऊपर से देखोगे तो ऐसा उसको कट करोगे ना, इसको कट करोगे तो ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। उसको मैंने थोड़ा सीधा करके बताया है यहाँ पे, ठीक है, तो वो वाला हिस्सा है। चलो, तो क्रॉस सेक्शन आ गया है। अब यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है ना आपको, तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए चलिए सम पे आ जाते हैं, फिगर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो क्रॉस सेक्शन पे है हम लोग। इसके अंदर क्या करना है, अब देखिए हमें यहाँ पे आपको ये फार्मूला जो मैंने आपको प्योर बेंडिंग स्ट्रेस की फार्मूला बताई थी, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, तो ई बाय आर वाला तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, ई बाय आर की अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला मैंने आपको बताया था। इसमें से आप क्या करो, सिग्मा बी निकालो। देखिए सिग्मा बी क्या आ जाएगा, सिग्मा बी इज इक्वल टू ये वाई जो है एम के साथ चला जाएगा कि नहीं, तो सिग्मा बी आएगा एम वाई बाय आई, ठीक है। और सिग्मा बी इज इक्वल टू ये जो वाई है ना उसको डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आप डाल दीजिए, तो एम बाय आई बाय वाई हो जाएगा, और आई बाय वाई भी मैंने आपको समझाया हुआ है पहले, एम बाय जेड हो जाएगा। आई बाय वाई को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन बोलते हैं, या तो सेक्शनल मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन। ये पूरा इसका वीडियो बनाया था, याद करो आप, मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, फिर प्योर बेंडिंग स्ट्रेस वाला भी वीडियो बनाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हुई है। अब यहाँ पे हमें क्या काम है, ये वाला फार्मूला लेना है हमें, ठीक है। तो चलो ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। अभी अभी ये वाला फार्मूला में एक चीज़ आप ध्यान रखो कि ये मैंने क्या क्या लिखा है, अब देखो क्या लिखा है, सिग्मा बी तो क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा बी कहाँ है, सिग्मा बी ये रहा, देखो सिग्मा बी गिवन है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सिग्मा ये बी गिवन था, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देखो आपने अगर ध्यान ना दिया हो तो ये मैंने लिखा हुआ है, बट काम नहीं आया, खाली इस वाले वीडियो में काम नहीं आया, इस वाले सम्स में काम नहीं आया, बट ये वाले सम में इसका ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो सिग्मा बी गिवन है, एम हमें निकालना है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, एम निकालना, पर एम निकाल लेंगे तो एम यहाँ रख के हम जेड निकाल लेंगे, और जेड निकल जाएगा तो क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। चलो किस तरह से करना है बताता हूँ फटाफट। अब ये सम हो गया है ना, अब कोई यहाँ पे टाइम लगने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि एम निकालना है, तो मोमेंट निकालना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट, ओके बेंडिंग मोमेंट। अब तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालनी है, मैं आपको पिछले सम्स में ले चलता हूँ। पिछले सम्स में आप देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ये हमने कंपेयर किया था, इसके अंदर ये एक फार्मूला था और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला इक्वल ही, यानी दोनों में से कोई भी एक फार्मूला उठा लो, ये आपका बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला के लिए मैं कौन सा, क्योंकि अभी पी गिवन नहीं ना, इसके अंदर पी गिवन नहीं है, इसके अंदर पी गिवन नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है पी की, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे बाद में, ओके अभी तक ज़रूरत नहीं है। तो हम कौन सा वाला मोमेंट लेके, वो क्लॉकवाइज मोमेंट आपको दिख रहा है ये वाला W इंटू ये 150 वाला, तो हम यहाँ पे लेते हैं W इंटू, उसको L2 बोला है, शॉर्ट आर्म को हमने L2 बोला हुआ है, ठीक है। तो W W कितना है, देखिए यहाँ सब डेटा ऊपर मैंने गिवन डेटा सेम लिखा हुआ है ना, सो यहाँ पे 3000 W लेंगे, और जो L2 है हमारा, L2 कितना है, 150 ना, एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, हाँ 150, ठीक है। सो चलो 150, तो दिस इज़ 45, और कितने जीरो आ जाएंगे, चार जीरो आ जाएंगे, और यूनिट रहेगा न्यूटन mm, बिकॉज जो हमारा है बेंडिंग मोमेंट है, ओके चलो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाना है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, बेंडिंग स्ट्रेस क्या बताया, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाय जेड, एम बाय जेड। तो सिग्मा बी जो गिवन है, कितना गिवन है, सिग्मा बी 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का सिग्मा बी है, एम हमने अभी भी निकाला 1 2 3 4, चार जीरो है, और यहाँ से जेड निकाल लीजिए, तो जेड इक्वल टू आएगा हमारा 6428.571, जेड का यूनिट रहता है एमएम क्यूब, ओके। तो चलो अब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे, ओके यहाँ पे लिख लेते हैं एज्यूमिंग, एज्यूमिंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, एज्यूमिंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो अगर यहाँ एज्यूम किया है तो हम ये वाली चीज़ यहाँ ड्रॉ करेंगे कि नहीं, यहाँ ड्रॉ करेंगे,
है ना, यहाँ एच और पी। सो मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 1/6 बी एच स्क्वायर। देखिए डीएम ही है, बहुत सारे फार्मूला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा होगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ, इसीलिए रिवीजन जरूर करना, सम्स देखने के बाद खुद जरूर ट्राई करना, खुद ट्राई करोगे तभी आपका सम्स अच्छे से होगा। वीडियो देख लिया हो गया ऐसा मत करना प्लीज़, नहीं तो फंसोगे, बहुत बुरी तरह फंसोगे। डीएम ही है, देखने से सम्स नहीं सीख सकते आप। जो भी सम्स की प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे देख रहा है, वो सम्स की जो भी वीडियो यहाँ पे देख रहा है और वीडियो देख देख के सम्स सीख रहा है, उसके मेरी एक बहुत जेन्यून रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है कि आप उसको सब कुछ बंद करके क्वेश्चंस लेके, सिर्फ क्वेश्चन देके, आपको पीडीएफ तो मिल गई है ना, पीडीएफ देखे और सॉल्यूशन को ट्राई करें और देखिए कि आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। सारे सम्स एक के बाद एक सॉल्व करने हैं, छोटे से सम जितने जो भी करो ना बहुत अच्छे से करो, जैसे लीवर कर रहे हो तो अच्छे से करना है, क्वार्टर जॉइंट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे से करना है, प्रेशर वेसल कर रहे हो तो अच्छे से करना है, जो भी करना है अच्छे से करना, अदरवाइज थोड़ा 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 सब करने गए तो बहुत बुरी तरह से फंसोगे, सब कुछ इतना मिक्सअप हो जाएगा, इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आप नहीं पता चलेगा यहाँ क्या लेना था, 3 लेना था, 1.25 लेना था, बहुत सारी चीज़ है जो याद रखने वाली है। छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं जो बहुत काम के होते हैं, तो ये मेरी एडवाइस है आपसे कि प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, अदरवाइज़ मेरे बताए हुए सम्स पूछने के बावजूद आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना। प्रैक्टिस जरूर करना, प्लीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, खुद से सॉल्व करने बैठिए, खुद से कैलकुलेशंस करिए, ठीक है। बस यहाँ पे कर दिया है, टाइम बचाने के लिए कोशिश मत करना, जो भी करना अच्छे से करना, ठीक है। चलो तो जेड यहाँ पे देखिए 1/6 बी एच स्क्वायर है और जेड जो कितना गिवन है 6428, तो 1/6 बी और दिस इज 3b, मैं वापस बता रहा हूँ 3b, बट आप थोड़ा सम्स के अंदर देखिए कि सम्स में कुछ गिवन तो नहीं है ना। यस, सम्स के अंदर क्या गिवन है, 2.5b गिवन है, तो हम वो लेंगे 2.5b लेंगे, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा अपना b, तो देखिए जो आंसर आया था आपका अभी भी कैलसी में, इंटू 6 करिए, डिवाइड में आप 2.5 जो है उसका स्क्वायर करिए, देखिए 2.5 है ये और उसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो डिवाइड में 2.5 का स्क्वायर जाएगा। अब जो आंसर आएगा ना वो बी क्यूब का आएगा, या आंसर आया बी क्यूब का, उसका आंसर निकालने के लिए देखिए बहुत सारे कमेंट करके पूछते सर कैसे करना है, तो वो जो पावर का एरो है वो दबाइए आप, ट्रायंगल जैसा ऊपर वाला पावर का एरो, ब्रैकेट लिख के 1/3 टाइप करिए, तब आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 18.34, जिसको मैं 19 लूगा तो भी चलेगा, 20 लूगा तो भी चलेगा, जिसको मैं 20 ले रहा हूँ, और एच अपना 3b होता है बट यहाँ पे गिवन है 2.5b, तो 2.5 इंटू 20 होता है 50, ठीक है। तो देखिए इस तरह से लीवर के क्रॉस सेक्शन या डायमेंशंस निकाल सकते हैं, एक आई सेक्शन भी आता है बट वो टफ पड़ जाएगा, वो 7 मार्क्स में पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, आई सेक्शन वाला आएगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, डिप्लोमा लेवल पे आई सेक्शन नहीं पूछते ज़्यादा, तो 11 वाला सम्स भी हो चुका है, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, तो 12 के अंदर क्या गिवन है आप देखिए, तो 12 वाला सम देखिए, जो भी अगर ये सेम होगा तो मैं इसको नहीं कराऊंगा, आप खुद घर पे ट्राई करिए, डिज़ाइन करना है फलक्रम पिन, खाली फलक्रम पिन करना है, यानी सेम ऊपर जैसा ही सम है, या आप खुद ट्राई कर सकते हो। 5 kN का लॉन्ग आर्म पे लोड लग रहा है, देखिए इस बार लोड को आपको लॉन्ग आर्म पे लगाना है, समझ रहे हो आप, तो जो लॉन्ग आर्म नीचे बना देना हो तो लॉन्ग आर्म नीचे बना के आप यहाँ पे लोड W करवा देना, ओके, 5 kN, ये 5 kN का लोड लगा देना और यहाँ पे लॉन्ग आर्म है तो ये 500 ले लेना, ऊपर वाला जो है वो 150 ले लेना, देखो घी दिया है यहाँ पे, ये रहा 150, ओके। ये करके फिर पी निकाल लेना, फिर आर निकाल लेना, फिर बेरिंग प्रेशर ले लेना और बेरिंग प्रेशर फिर चेक कर लेना, ठीक है। बेरिंग प्रेशर से डी और एल मिल जाएगी, और डी और देखो यहाँ पे कहीं पे भी गिवन नहीं है डी और एल का रेशियो, तो यहाँ पे आपको एल बाई डी जो रेशियो है, एल बाई डी रेशियो कितना लेना है, 1.25 एज्यूम करना है यहाँ,
आप घर पे कोशिश करिए, अगर आपको सब नहीं समझ आता तो देखिए, टाइम तो पता नहीं मेरे पास है कि नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तो मेरे ख्याल से ऊपर जैसा तो लग नहीं रहा, मतलब सेम तो नहीं है, बट खाली देखिए फलक्रम पिन को डिज़ाइन करना है। इसमें भी लोड दिया है, वर्टिकल आर्म वर्टिकल पे लग रहा है, शॉर्टर आर्म पे लग रहा है, और लेंथ ऑफ द लॉन्गर एंड शॉर्टर आर्म्स दिया हुआ है 700 500, और अलाउबल शियर स्ट्रेस दी हुई, बेयरिंग प्रेशर दिया है, और चलो ये सब कुछ दिया हुआ है, एल बाई डी रेशियो भी दिया है, यानी ये भी आप खुद ट्राई कर सकते हो, ऊपर जैसा ही सम है। फलक्रम पिन डिज़ाइन करनी है, ये लोड दिया है और 125 mm पे लग रहा है, एफर्ट जो 150 पे लग रहा है, तो ये भी सम आप खुद ही कर सकते हो। ओके, पिन का 70 MPa का स्ट्रेस दिया है, शियर स्ट्रेस, और बेयरिंग का प्रेशर दिया है 10 MPa, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो डिज़ाइन करना नहीं है अपने को, तो ये भी ट्राई में चला जाएगा। अब देखिए बेल क्रैंक लीवर वर्टिकल आर्म का लेंथ है, हार्टनेल गवर्नर का है, 120 mm का वर्टिकल आर्म है, और हॉरिजॉन्टल आर्म 100 mm है, 1500 न्यूटन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अच्छा ये चीज़, चलो ये एक मैं आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहूँगा, इसको मैं समझाना चाहूँगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है मतलब किस तरह से लग रहा है। ये देखिए बेल क्रैंक लीवर वर्टिकल आर्म है और 120 mm का वर्टिकल आर्म है, तो ये जो भी वर्टिकल आर्म आप बनाओगे, ओके वर्टिकल आर्म यहाँ पे जो भी बनाओगे आप, कितना गिवन है, 120 mm का, ये 120 mm का बनाना है। जो मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो 1500 और 100 mm का हॉरिजॉन्टल आर्म है, ये भी आप 100 mm बता देना, दिस इज 100 mm बता देना, ये 120 mm बता देना, 1500 का सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स देखिए ये कैसा रहता है, यहाँ पे गवर्नर है, तो गवर्नर कुछ गवर्नर का जो डिज़ाइन है ये इस तरफ से दोनों तरफ ये लगा होता है, यहाँ पे बॉल लगाया हुआ होता है, बड़े से दो बॉल लगाए होते हैं, और यहाँ पे ये सेंटर में इस तरह से स्लीव लगता है, और ये ऊपर इसको फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक डिज़ाइन का हिस्सा है, हार्टनेल गवर्नर रहता है इस तरह से, तो उस पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या है, यहाँ पे बॉल लगाएगा ना, उस पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगता है, तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स किस इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरफ से ना बताते हुए कहाँ बताऊँगा, इस तरफ से बताऊँगा, है ना, इतना लंबा नहीं बताएगा। तो ये पी दिया हुआ है, यानी 1500 न्यूटन का पी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको खाली डब्ल्यू निकाल लेना है, वो क्वेश्चन मार्क में है, तो बस मोमेंट लेके आप जैसे पी निकालते थे वैसे डब्ल्यू निकाल लीजिए। डिज़ाइन अ लीवर फलक्रम पिन को डिज़ाइन करना है, टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है, ओके सिग्मा बी गिवन है, परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर गिवन है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस पिन का गिवन है, ओके रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी इस बार हमें फाइंड करना है, ओके जहाँ पे एच इज इक्वल टू 2b लेना है और एल इज इक्वल टू हमें 2d लेना है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में इस सम को ख़त्म करना चाहूँगा, तो सबसे पहले मोमेंट अगर ले गए तो पी 1500 इंटू 120 रहेगा इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 100 रहेगा, यहाँ से हम W निकाल लेंगे, ओके तो W निकालते हैं सबसे पहले, 1500 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, सो 1800 न्यूटन का W रहेगा। फिर रिएक्शन निकाल लेंगे, ओके 90 डिग्री बेल क्रैंक लीवर, इसीलिए 90 डिग्री है यहाँ पे थीटा, तो सिर्फ अंडर रूट W² प्लस पी स्क्वायर ही रहेगा, तो 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ से आपका R आ जाएगा, ओके स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर, अंडर रूट आंसर कर दीजिए, सो 2343.074 न्यूटन आर आ जाएगा। फिर आप बेयरिंग प्रेशर लगा लीजिए कि बेयरिंग प्रेशर क्या है, बेयरिंग प्रेशर वाला फॉर्मूला, तो आर इज इक्वल टू डी इंटू एल इंटू पी बी, ओके सो 2343.074 इक्वल टू डी, और एल जो है वो एल कितना गिवन है, देखिए इस बार 2d गिवन है, टू जो 1.25d देते हैं ना, इस बार वो 2d गिवन है, तो यहाँ पे 2d ले लेना, ठीक है। और बेयरिंग प्रेशर कितना गिवन है आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, बेयरिंग प्रेशर कहाँ है, बेयरिंग प्रेशर ये रहा 30 न्यूटन पर mm², तो यहाँ पे 30 ले लो, तो यहाँ से अपना d मिल जाएगा, ठीक है। तो d मिल जाएगा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 30, अंडर रूट करते हैं तो 6.24 mm का डी आ रहा है, तो इसको हम 8 mm ले लेते हैं, ठीक है। डी को आप 8 mm ले लीजिए, और एल हम ले लेते हैं, डबल कर लेते हैं, ठीक है, तो 16 mm का एल आ जाए, क्योंकि 2d गिवन है क्वेश्चन में, अदरवाइज एल बाई डी रेशियो कितना रहता है,
1.25 रहता है, एल इक्वल टू 1.25 डी रहता है, ठीक है। इस बार थोड़ा अलग है, चेकिंग करना है तो चेकिंग के लिए हम आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई बाय 4 सीयर वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, टाउ इंड्यूस अपने को चेक करना है, ओके। तो 2343.074 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, यहाँ से टाउ इंड्यूस अपने को पता चल जाएगा। तो चलिए टाउ इंड्यूस कितना आ रहा है, सो 2343.074 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 8 का स्क्वायर, ओके। सो 23.306 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, जो लेस देन हमारा टाउ अलाउएबल होना चाहिए। देख लेते टाउ अलाउएबल कितना है, ओके। टाउ अलाउएबल कितना है, 40 दिया हुआ है, देखो 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये एक काम हमारा हो गया, और अब काम क्या करना था, खाली जो क्रॉस सेक्शन चेक करने वाला। तो यहाँ से एम निकालना पड़ेगा क्रॉस सेक्शन के लिए। तो एम कितना है हमारा, कोई भी एक एम ले लेते, ये वाला मोमेंट ले लेते 1500 इंटू 120 वाला, तो 1500 इंटू 120 का मोमेंट निकल जाएगा, ओके। तो 18 और 4 जीरो है, न्यूटन एमएम का मोमेंट है, ओके। तो सिग्मा बी वाले फार्मूला से एम बाय जेड करके हम यहाँ से जेड निकाल लेंगे, ओके। तो जेड इज इक्वल टू ये मोमेंट जो है डिवाइड बाय सिग्मा बी लगेगा। सिग्मा बी कितना गिवन है क्वेश्चन में, सिग्मा बी 70 है, देखो 70 गिवन है, ओके। तो 70 डिवाइड करिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 2571.42 mm³ आएगा। और जब z का फॉर्मूला लगाओगे 1/6bh² ओके, तो z कितना है 2571.42 इज इक्वल टू 1/6b, और h और b का जो रिलेशन है वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 2b दिया है, देखो तो 2b लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2b का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से अपने को मिल जाएगा p, ओके। इसी आंसर में 6 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 4 करिए, ओके। जो भी आंसर है उसको 1/3 करते हैं, सो 15.68 का बी आ रहा है, जिसको हम ले लेते हैं 16 mm। तो 16 mm का बी आ रहा है, और जो एच है तो एच जो दिया है कितना दिया है, 2b दिया है, तो 32 mm का एच आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो सारे डायमेंशंस निकल चुके हैं हमारे, ओके। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको समझ आ गया होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।